बड़े दिनों के बाद, मतलब के बहुत सारे दिनों के बाद, मतलब के ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद, आज आपका भाई आया है कॉर्निश पे। ये कॉर्निश आपके भाई की नजरों से आप लोगों को कौन दिखाए? मैं दिखाऊंगा पार्टी, मैं आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज आपका भाई आया हुआ है जद्दा फ्रंट पे। ज़बरदस्त किस्म का ये कॉर्निश है, यहाँ के पहले भी मैंने व्लॉग बनाए हैं और आज से पहले मैं, पता है यहाँ पे लास्ट टाइम कब आया था? अब आप एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन आप ये समझ सकते हैं मैं तब आया था जब मास्क नहीं लगाते थे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। तो आज बड़े अरसे के बाद आया हूँ, तो मैंने कहा मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी मोहब्बत है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे मैंने ये देखा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बीच बनाया है इन्होंने, और बीच पे इन्फ्लेटेबल्स लगाए हैं, और फिर उसके बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो यहाँ पे जैकेट्स वैकेट्स ये वो सारी गेम ऑन है। तो आऊँगा यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला, यहाँ का भी व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, बनाएंगे वो भी। कॉर्निश पे आके ये वाली बिल्डिंग के शॉट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ तक मैंने सुना है ये जद्दा की सबसे लंबी बिल्डिंग है, अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताओ, या अगर नहीं भी है तो भी बताओ। मुझे तो ये लगता है कि जद्दा की सबसे लंबी बिल्डिंग है। और आज मज़े की बात ये हुई है कि जद्दा का टेम्परेचर बड़ा फिट हुआ हुआ है, जो कि है 25 डिग्री। हल्की हल्की प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा गेम ऑन सीन हुआ हुआ है। वैसे ही हम लोग गुजर रहे थे यहाँ से, मैंने कहा यार उतरते हैं ना, मैंने कहा उतरते हैं, उतर के चलते हैं, ज़रा बड़े दिन हो गए उतरे नहीं। मैंने कहा आ जाओ, बस जब हम उतरे ना तो ऐसा लगा कि यही चाहिए था, यही करना था, ऐसे जो समंदर देखा ना, कि यही बस यही आज यही करना था, यही आना था। मुझे ऐसा लगा मैंने पहली बार समंदर देखा है। कसम से इतना अरसा हो गया समंदर आए भाई, यार इट्स बीन टू लॉन्ग। वाओ, खुली फिजा में आए, वीकेंड भी था, और उतरते साथ जैसी हवा लगी ना खुले आसमान के नीचे, तो भूख लग गई थोड़ी थोड़ी। और जब भूख लगी तो हमारे सामने आ गया ज़बरदस्त किस्म का, दिखाता हूँ क्या। अच्छा एक काम करना, अगर फिश नगेट वाली सैंडविच हो तो मेरे लिए दो ले लेना, ठीक है? ठीक है, स्पाइसी विदाउट पिकल्स, ठीक है? और तुम अपने लिए देख लेना, तुम्हें अंडे वाली खानी है, वो खानी है, वो खानी है, वो खानी है, जो भी खानी है तो ले लेना, सही? ओके ओके। आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लेना तुम्हें, जो चाहिए आपको। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खाना खाऊंगा। जद्दा के अंदर एक और जगह पता चल गई जहाँ सुबह सुबह अलबेक मिलता है। खैर, नम्बों को मैंने अलबेक लेने भेजा क्योंकि मर्दों की बहुत बड़ी लाइन थी। मेरे सामने इस वक्त जो मुझे दिख रहा है वो है फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये टाइमर जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है फार्मूला 1 रेस का, जो कि जद्दा के अंदर इंशाल्लाह ताला 5 दिसंबर 2021 को होगी। और उसका जो सर्किट होगा ना, वो पूरे कॉर्निश के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, और वो सर्किट डिज़ाइन करने वाला कोई और नहीं, दुनिया का मशहूर तरीन जर्मन इंजीनियर, ड्राइवर और सर्किट डिज़ाइनर है, जिसका नाम है हरमन तिलके। तिलके कह लें या तिल्क कह लें, जो भी है, उसने दुनिया के बहुत मशहूर किस्म के और बहुत ज़बरदस्त किस्म के सर्किट डिज़ाइन किए हैं। तो वो बंदा ये वाला सर्किट डिज़ाइन करेगा, और बेहतरीन किस्म की यहाँ पे फार्मूला 1 रेस होगी इंशाल्लाह। और इस टाइमर की पेशानी पर अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है रोलेक्स। देखने से ये पता चलता है कि इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर जो हैं वो रोलेक्स होंगे। तो फार्मूला 1 वाले ये ज़रूर कहते होंगे कि रोलेक्स स्पॉन्सर हमारे। ऐसी कोई जहानों की भूख लग गई, मतलब बैठा हुआ नम्मो का वेट कर रहा हूँ अभी तक, नम्मो आए तो फिर ज़रा कुछ खाएं। ओए हाय हाय हाय, ये देखो मेरी खुशी खुशी का सामान लेके आ रही है। पार्टी, ये हमने लिए अंडे की चिकन और चीज़ के साथ सैंडविच स्पाइसी। कैसी नम्मो? इसका जो ब्रेड है, बन है, वो ऊपर से क्रंची है उसका टेक्सचर, और उसका फ्लेवर भी क्रंची है, और अंडे का फ्लेवर जो है वो शदीद क्रीमी और फ्लफी अंडा है, उसके अंदर चीज़ी और मायोनीज़ और चीज़ का मिक्सचर एक फ्लेवर आ रहा है। जैसे ही चीज़ और मायोनीज़ का फ्लेवर आपको मुंह के टेस्ट बड को टच करता है, उसके साथ ही आपको चिकन का टिक्का फ्लेवर आ रहा है, चिकन की जो बोटियाँ हैं उसका बोटी के अंदर टिक्का और स्पाइसी मिर्चों वाला फ्लेवर आ रहा है। टू गुड, बहुत मज़ेदार।
और उसके साथ साथ हलापिनोज की तुर्शी। मिस कर रहे हो ये, लाजम खाना ये सैंडविच, बहुत आला है, नाश्ते में मिलती है सिर्फ। ये फलाफिल स्पाइसी, हुम्मस का जो फ्लेवर है वो। हम ऐसे ही इधर उधर के सैंडविचेस खा रहे होते हैं फलाफिल वगैरह की, बहुत ही हम स्पाइसी कितना लगी। हलापीनो का जो टेस्ट आ रहा है ना, रिच रिच टेस्ट, मज़ा आ गया। तामिया और अंडे की सैंडविच खाने के बाद ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम, ऐसा हो रहा है यही गाना था। और कसम से इतना कोई पीसफुल माहौल हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये जो नेचर है ना, इससे कुछ आपके जिस्म में घुस रहा है आगे। उफ़, मतलब सकून वाला माहौल, मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकता, इतना सकून मिल रहा है। पहाड़ी हो रही है, पहाड़ी पहाड़ी हो रही है। बहुत दिन बाद आए लेकिन अपने उसूल नहीं भूले, कचरा समेट के उठो हमेशा। और अब हम जा रहे हैं वो करने जो करने आए थे, मतलब समंदर को करीब से देखने के लिए। और आप लोगों को करीब से समंदर कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टी, मैं आ जाऊँ। समंदर के पास आके कसम से इतना प्यारा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। ये जो शोर सुनाई दे रहा है ना, ये मतलब मैं कहता हूँ कैमरा इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। हो सकता है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन बहुत कोई शो माहौल है। और क्या ताज़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ लहरें ना जिसे कहते हैं वो हो रही है, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद वो बन रहा है ना यार, अजीब सा समा है कसम से। एक ऐसा सुकून मिल रहा है यहाँ पे खड़े होके, और ऐसा हो रहा है कि बस सारी नेगेटिविटी खींच ली हो गया समंदर में ना, मज़ा आ गया कसम से। क्या प्यारी लहरें, समंदर फुल चढ़ा हुआ है, मतलब कितना बड़ा ये समंदर है, और ये पानी जो कितना भारी है, कितनी आवाज़ है इसकी, कितना वज़न है इस पानी में, उसके आगे कैसे भी नहीं है हम। और हमारी नेगेटिविटी, हमारा घमंड, हमारा एरोगेंस, जो हम खुद को समझते हैं कि ये मैं हूँ, हमारी मैं कुछ भी नहीं है इसके आगे। और जो आँखों से जो नज़र आ रहे हैं वो देखें, जो जिसने ये बनाया है वो क्या क्या ज़ात है, क्या ज़ात है, सुभान अल्लाह। ये इतना बड़ा हम समा नहीं पा रहे, खुद में देख नहीं पा रहे, आँखों में नहीं समा पा रहे, ये नहीं पता कि ये कहाँ तक है, तो हम ये कैसे समझते हैं कि हम ही हम सब। अभी नंबर ने मुझे बोला एक काम करें, आँखें बंद करके ऐसे यूँ खड़े हों और गहरी गहरी सांस लें, और सिर्फ ये जो आवाज़ आ रही है ना इसको फील करें। एक बात बोलूँगा मैं आप लोगों को, आप लोग जब भी समंदर आओ ना, ये वाली चीज़ करके देखना, आंखें बंद करके बिल्कुल उसमें डूब के सुनना वो जो आवाज़ है ना पानी की, यार मतलब एक मेडिटेशन है वो, एक हीलिंग है वो, पता नहीं क्या है वो। फिर उसके बाद जब आप आंखें खोलते हो ना, ओ भाई मज़ा आ गया कसम से, तबीयत ऐसी हो गई, रिलैक्स रिलैक्स, बहुत आला। थैंक यू नमो। नमो तुम्हारी क्या फीलिंग है समंदर के बारे में? भाई मज़ा आ गया मुझे, मुझे इतने दिनों बाद ऐसा लगा उफ क्या हो गया पता नहीं। समंदर को कोई घंटा डेढ़ हमने सिर्फ खड़े होके देखा है, सिर्फ मज़ा आ गया कसम से। लवली मौसम एंड लवली माहौल, बहुत ही ज़्यादा। ये मान ट्रैम्पोलिन में ओह इतना मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रही है। दिल गार्डन गार्डन हो रही है। ये इस दरख्त में से कुछ गिर रहा है, कितने मजे की चीज है ये, हमारे सामने गिर रही है। ये क्या है? ये खाना नहीं, पता नहीं कोई, ये कोई फ्रूट है। खुशबू देखो यार, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी तो। क्या है ये पता है? नहीं मुझे नहीं पता। सीरी से पूछो, सीरी व्हाट Siri, what is this? इसकी तस्वीर खींच के सीरी को भेज दे। यार ये किस चीज़ का दरख्त है, अगर आप लोगों को बताओ तो बताओ कमेंट्स करके, कमेंट सेक्शन में। हमारे सामने सामने गिर रहे हैं, बहुत रख लेगा, अम्मा को दिखा के पूछेंगे किस चीज़ का है ये। ये
देखे कितने प्यारे सनफ्लावर लगे हुए और इसके अंदर शहद की मक्खियाँ रस चूस रही हैं शहद बनाने के लिए, और इतने सारे पूरे लाइन से दिखाएं वहाँ तक, वो वहाँ तक सनफ्लावर्स लगे हुए हैं। और अभी सूरज इधर है तो इधर इनका मुँह है, शाम तक ही यूँ हो जाएंगे इधर अपना मुँह कर लेंगे। और ये इसके आगे ये तो इसको वाइब्स नहीं आई सूरज की, इसको पता नहीं चला इसको पता नहीं चला ये कंफ्यूज है, पोलियो हो गया इसको शायद, मेरे ख्याल से मुँह नीचे हो गया। अरे नहीं, इसको पता नहीं चल रहा ना इसके आगे है ना। अच्छा, और उसको कैसे पता चल रहा है पीछे वाले को अपनी तरफ से कुछ भी ये कैसे, ये अभी बन रहा है मेरे ख्याल से। शहद की मक्खियाँ कितनी चिपकी हुई है उसको, तंग करो शहद की मक्खियों को, काटे की तो फिर खुद ही जिम्मेदार रही है। रस देखे जो इन्होंने निकाला है चूस चूस के। अब आ गए हम अपने प्यारे ट्रैक पे जद्दा के किसी जमाने में हम यहाँ वॉक किया करते थे और मज़ा आता था खूब, लेकिन आज भी उतना ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ पे वो जो कलर वॉक बनाया ना, अब हमने कहा यहाँ आ ही गए तो वो भी देखते हुए चलते हैं, तो अब वो देखने जा रहे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, खवातीन हज़रात और पार्टियाँ, ये है जद्दा की ज़बरदस्त किस्म की कलर वॉक। और अभी इसके डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए, वहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ डिफरेंट पैटर्न्स थे, यहाँ पे डिफरेंट है और आगे अलग किस्म के पैटर्न्स होंगे। देखने में ये बहुत ही कोई आला किस्म की वे माशाल्लाह बनाई हुई इन लोगों ने। जब आप लोग अगर खुद यहाँ पे आके देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे, कैमरा मेरे ख्याल से इतनी जस्टिस नहीं कर रहा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात और पार्टियों, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा, यार ये वाला तो कर दीजिएगा। और अगर ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नम्मो का चैनल है नम्मो ब्लॉग, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे और नम्मो दोनों को फॉलो कर लीजिएगा।